नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रिक्वेंसी एज़ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप विच इज एल मीटर लॉन्ग सवाल है लेंथ ऑफ द ओपन पाइप विल बी हमारे ऑप्शन है एल या फिर टू एल या फिर एल बाई टू या फिर फोर एल बहुत ही सिंपल सवाल है बेसिक फंडामेंटल क्लैरिटी पे जाएगा नाउ जब हम बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप की तो ओपन ऑर्गन पाइप में हमें ये पता है सेकेंड हारमोनिक सॉरी सेकेंड ओवरटोन जो है दैट विल बी इक्वल टू थर्ड हारमोनिक ठीक है सो यहाँ पे आपका सेकेंड ओवरटोन uh, जब हम बात करें ओपन पाइप की ओपन ऑर्गन पाइप की तो सेकेंड ओवरटोन जो है ओवरटोन दैट विल बी इक्वल टू थर्ड हारमोनिक तो डिपेंड करते हैं आपकी कंफर्टेबल किससे ओवरटोन से हारमोनिक से, से मैं आपको दोनों के बीच की रिलेशनशिप uh, बता रहा हूँ सो so, इन दोनों को आप इस बेसिस पर हम लिख सकते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी होएगी uh, उसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी ऑफ थर्ड हारमोनिक या सेकेंड ओवरटोन दैट विल बी इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाई आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी राइट एफ वन ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होएगा और इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को या लेंथ के टर्म में हम लिख सकते हैं ओपन पाइप है सो दिस विल बी थ्री वी डिवाइडेड बाई टूएल ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई राइट बिकॉज आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाय टू एल होती है ओपन ऑर्गन पाइप में नाउ जब हम बात करें क्लोज ऑर्गन पाइप की क्लोज ऑर्गन पाइप का एक बार इसको फिर समझते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब ये कि एक एंड क्लोज है दूसरा एंड ओपन है उस केस में हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके हमें इक्वेट कर रहा हुआ है फर्स्ट ओवरटोन से तो जब हम कहते हैं आपका क्लोज पाइप है आ, उसका आपका फर्स्ट ओवरटोन जो है दैट विल बी इक्वल टू आपका थर्ड सो right? so, इसका मतलब ये होगा कि आपका इसकी जो एफ डैश आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू इसकी वैल्यू जो आएगी देट विल भी इक्वल टू थ्री वी डिवाइडेड बाई फोर एल डैश अगर इसको हमने एल वन कहा है इसको एल टू कह लेते हैं विल भी इक्वल टू एल टू ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई ना हमें यह बात दी हुई है कि दोनों की वैल्यू बराबर है सो so, उस केस में इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं विच एम्प्लाईज हम कह सकते हैं थ्री वी डिवाइडेड बाई फोर एल टू विल भी इक्वल टू थ्री वी डिवाइडेड बाई आपका टू uh, एल Right? अब हमें टू एल वन हमें अब ये बताना है लेंथ ऑफ ओपन पाइप ये आपका ओपन पाइप है इसकी लेंथ बतानी है तो इसको इधर ले आए इसको इधर ले जाए थ्री बी कैंसिल हो जाएगा विच एम्प्लाईज एल वन विल बी इक्वल टू टू एल टू यानी कि आपकी जो एल की वैल्यू है वो हो जाएगी टू एल सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी टू एल वुड बी द राइट आंसर